ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। दस दिए कि पहला वसनीकों विक्टोरिया डे, दिवाली, कैनेडा डे और नवे साल की शाम से बिना परमिट के निजी पटाके चलाने की इजाजत दी जाती सी। हालांकि पिछले साल दिवाली के जश्न दौरान भी प्राप्त हुई बहुत सारिया शिकायतों के कारण कौंसल ने निजी आतिशबाजी से कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। नतीजे वजो ब्रैम्पटन विक्टोरिया दिवस से आतिशबाजी की इजाजत नहीं होगी, जो कि सरकार दे वलों ब्रैम्पटन दे वसनीकां नूं याद दवाया जा रहा है कि आगामी विक्टोरिया डे दे लंबे वीकेंड दौरान पटाकियां दी सख्त मनाही रहेगी। दस दिए कि शहर दे विच पटाकियां दे उत्ते पाबंदी लागू होने तो बाद यह पहला विक्टोरिया दिवस होगा जदों कोई भी व्यक्ति निजी आतिशबाजी नहीं चला पाएगा। उत्थे पटाके चलाने लिए जुर्माने नूं वधा के घट्टो घट $500 कर दिता गया, जबकि पटाके वेचण जां पाबंदी दी पालना करन दे विच असफल रहन ते $1,000 का जुर्माना भी हो सकदा है। उलंघना करन वालियां नूं $1,00,000 तक का जुर्माना होवेगा। सिर्फ फिल्म उद्योग ते खुद सिटी नूं नवें उप नियम दे तहत पटाकियां दी वरतों करन दे लई परमिट लई अर्जी देण दी इजाजत है, जिस तो बाद फैसला लिया जाएगा कि अर्जीकर्ता नूं पटाके बजाउण दी इजाजत दिती जाएगी या नहीं। फिलहाल दस दिए कि पटाके चलाउण दे लई जुर्माने नूं वधा दिता गया ते घट्टो घट यह जुर्माना $500 कर दिता गया, जबकि पटाके बेचण या पाबंदी की पालना करन दे विच असफल रहन ते $1,000 का जुर्माना हो सकता है अते इन्हां फैसलिया की उलंघना करन वालियां नूं $1,00,000 तक का जुर्माना हो सकता है। पहला वसनीकों विक्टोरिया डे, दिवाली, कैनेडा डे और नवे साल की शाम से बिना परमिट के निजी पटाके चलाने की इजाजत दी जाती सी, जो कि हुण पाबंदी के रूप दे विच बदल चुकी है। हालांकि पिछले साल दिवाली के जश्न दौरान प्राप्त हुई बहुत सारिया शिकायतों के कारण कौंसल ने निजी आतिशबाजी से कार्रवाई करने का फैसला किया है। नतीजे के वजो हुण ब्रैम्पटन विक्टोरिया दिवस से आतिशबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। दस दिए कि ब्रैम्पटन सिटी काउंसल ने नवंबर के आतिशबाजी के उप नियमों के तब्दीलियां कीतियां सी, जिस विच ना सिर्फ निजी पटाकियां ते पाबंदी लगाई गई सगों नियमों की उलंघना करन वालियां लई भी जुर्माने वधा दिते गए सन। इस बार भी सिर्फ फिल्म उद्योग ते खुद सिटी नूं नवें उप नियम के तहत पटाकियां की वरतों करन दे लई परमिट दे लई अर्जी देण की इजाजत दिती गई है। हुण देखना होवेगा कि इस बार विक्टोरिया दिवस के मौके नूं लोग किस तरह मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVNRI। गर्मियां शुरू होने ते आउटडोर गेट टुगैदर का मौसम शुरू हो जाता ते अपने नाल समा बिताना किसनों चंगा नहीं लगता, पर जे स्वाद खाना हो जाए तो सोने ते सुहागा। लजीज खाने के चावानों लंबे समय तो अपनिया सेवावान दे रहे स्टैंडर्ड स्वीट्स माल्टन हुण आउटडोर केटरिंग च हर तरह के वैज नॉन वैज पकवाना तो मन मोह लैणगे। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਵੀਟਸ ਮਾਲਟਨ। ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਲਈ ਨੰਬਰ ਘੁਮਾਓ 416-888-6627-25।